सीपेज प्रेशर। सीपेज प्रेशर। अब तक हमने क्या देखा? सीपेज प्रेशर यानी अगर अपवर्ड प्रेशर है, सबसे पहले स्टैटिक, स्टैटिक के लिए इफेक्टिव स्ट्रेस आपका क्या रहेगा? सिग्मा डैश इनटू जेड। देन डाउनवर्ड प्रेशर, सिग्मा डैश इट इज इक्वल्स टू गामा डैश इनटू जेड माइनस, सॉरी, प्लस गामा डब्ल्यू इनटू एच। एच इज नथिंग बट एच एफ। ओके, अपवर्ड सिग्मा डैश इफेक्टिव स्ट्रेस इट इज इक्वल टू सबमर्ज डेंसिटी इनटू जेड प्लस, सॉरी, माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच। एच इट इज नथिंग बट एच एफ। दिस इज सीपेज प्रेशर। अब तक मैंने ये देखा। एंड देन नेक्स्ट मैंने क्या देखा? ये देखा, सबसे पहले मैंने स्टैटिक के लिए मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस, डाउनवर्ड सीपेज होगा तो मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस, अपवर्ड सीपेज होगा तो मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस, डाउनवर्ड के लिए प्लस, अपवर्ड के लिए माइनस। सीपेज प्रेशर, सीपेज प्रेशर आपका गामा डब्ल्यू इनटू हेड लॉस, गामा डब्ल्यू इनटू हेड लॉस। ओके, सो गामा डब्ल्यू इनटू हेड लॉस इट इज योर सीपेज प्रेशर। दैट्स एच इज नथिंग बट हेड लॉस। देन वी टॉक अबाउट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ओके, देन वी टॉक अबाउट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज नथिंग बट अ सीपेज लेंथ टू द एच एफ। सीपेज लेंथ to the HF, that is nothing but hydraulic gradient. After we talk about hydraulic gradient, seepage per volume, it is nothing but I into H. Seepage per volume, it is nothing but I into H, hydraulic gradient into H. यहाँ तक कल हमने देखा है. Now we talk about critical hydraulic gradient. Okay, critical hydraulic gradient. पहले हमने ये देखा था सीपेज फोर्स पर वॉल्यूम ऑफ सॉइल इट इज इक्वल्स टू, वी टॉक अबाउट जे, इट्स नथिंग बट गामा डब्ल्यू इनटू आई। ये मैंने लास्ट देखा था. ओके, नाउ एन फोर्स अपॉन वॉल्यूम इट इज वी टॉक अबाउट जे। ओके, मैं इसको जे कंसिडर कर रहा हूं। नेक्स्ट, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आईसी। ओके, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आईसी। इट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट करस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट करस्पॉन्डिंग टू
करस्पॉन्डिंग टू, क्रिटिकल कंडीशन, ऑफ सॉइल, क्रिटिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, वेयर इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू जीरो एट बॉटम ऑफ सॉइल, एट बॉटम ऑफ सॉइल। सो ये कौन से केस में होगा? ओनली इन वन केस, अपवर्ड सीपेज प्रेशर, अपवर्ड सीपेज प्रेशर में। व्हाई? अपवर्ड सीपेज प्रेशर में ये बोल सकता है गामा एच टू जेड इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इनटू एच। ओके, सॉइल इन एन अपवर्ड सी पिच कंडीशन, अपवर्ड सी पिच कंडीशन, सिग्मा डैश इट इज इक्वल टू जीरो, इट इज इक्वल टू गामा डैश इनटू एच माइनस गामा डब्ल्यू इनटू गामा डैश टू जेड गामा डब्ल्यू इनटू माइनस गामा डब्ल्यू इनटू एच। सो एट क्रिटिकल कंडीशन, या फिर मैं एक मिनट, सॉरी, ये अपवर्ड सीपेज है। एट क्रिटिकल कंडीशन सिग्मा डैश इट इज इक्वल टू जीरो, सो जीरो इट इज इक्वल टू गामा डैश इनटू जेड गामा डब्ल्यू इनटू एच। सो गामा डैश बाय गामा डब्ल्यू एच बाय जेड, एच इट इज हेड लॉस, जेड इट इज सीपेज लेंथ, एच इट इज हेड लॉस, जेड इज सीपेज लेंथ। ओके, सो व्हाट इज योर आय? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, व्हाट इज आय? HF divided by tan theta it is equals to HF divided by Z। इस तरह अपन करते हैं। ओके, इस तरह लास्ट परमेबिलिटी केस पे मैंने आपको निकाल के दिया था कि किस तरह याद रखना, जो भी वर्टिकल क्या रहेगा HF रहेगा, HF अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो HF डिवाइड बाय Z, हेड लॉस डिवाइड बाय Z। सो यहाँ पे हेड लॉस डिवाइड बाय जेड, हेड लॉस डिवाइड बाय सीपेज लेंथ। सो मैं इसको क्या बोल सकता, क्रिटिकल कंडीशन है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अबाउट आईसी, आईसी इट इज इक्वल टू गामा डैश बाय गामा डब्ल्यू, गामा डैश बाय गामा डब्ल्यू और एच बाय जेड, वी कैन से इट इज एच बाय जेड। सो गामा डैश बाय गामा डब्ल्यू, when we talk about gamma dash by gamma w, that is nothing but gamma sat minus gamma w divided by gamma w, is it correct? Okay, gamma dash ko main kya likh sakta, gamma dash ko main kya likh sakta, gamma saturated minus gamma w, abhi gamma submerged जो भी है मेरा गामा डैश, इट इज नथिंग बट गामा सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड डेंसिटी यानी क्या है, सैचुरेटेड डेंसिटी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज नथिंग बट अ गामा सबमर्ज्ड डेंसिटी। ओके, तो सबमर्ज्ड डेंसिटी मैंने अभी यहां पे निकाल ली, तो अभी गामा सैट
डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू माइनस वन, ऐसे मैं लिख सकता हूं. ओके, व्हाट इज गामा सैट? गामा सैट इट इज इक्वल्स गामा डब्ल्यू जी प्लस ई अपॉन वन प्लस ई, बिकॉज ऑफ एस आर इज इक्वल टू वन, सैचुरेटेड डेंसिटी है. गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई इंटू एस आर, एस आर इट इज इक्वल टू वन, दैट्स व्हाई ई इंटू एस आर, एस आर इज इक्वल टू वन, सो वन प्लस ई. ये मैं लिख सकता, ये मैं लिख सकता. ओके, तो मैं यहां पर लिख दूंगा गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई अपॉन वन प्लस ई इंटू वन डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू. ये गामा साठ की वैल्यू होगी, गामा साठ की वैल्यू, गामा साठ की वैल्यू मैंने लिख दी, डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू गेट कैंसिल, माइनस वन, माइनस वन, ये जो माइनस वन है, माइनस वन मैंने यहाँ पे लिख ली. ओके, यहां तक समझा? इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हो रहा है, जी प्लस ई अपॉन वन प्लस ई माइनस वन. ओके, ये बचा है जी प्लस ई माइनस वन प्लस ई अपॉन वन प्लस ई. ओके, वन प्लस ई. नाउ आप ब्रैकेट से बाहर निकाल दो, जी प्लस ई माइनस वन माइनस ई, ई ई गेट कैंसिल, वन प्लस ई. आई सी इट इज इक्वल टू जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई, जी माइनस वन अपॉन वन प्लस, दैट इज योर आई सी, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. गॉट इट? आई सी इट इज इक्वल टू क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. Now, we can say also, we can say also, g minus 1 into 1 minus n. How? Can I erase this? Can I erase this part? Yes, sir. Yes, sir. I see it is equals g minus 1 into 1 upon 1 plus e, 1 upon 1 plus e. We know that n is equals to e upon 1 plus e. Is it correct? Porosity. इट इज इक्वल टू ई अपॉन वन प्लस ई. क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? सही है. ओके, सो एन को ये टर्म्स में आप लिख सकते हैं, एन को ये टर्म्स में आप लिख सकते हैं. आपको ये टर्म्स में निकालना है अभी. ओके, वन अपॉन वन प्लस ई ये टर्म्स में आपको एन माइनस वन को निकालना है. तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको n जो है, यानी e इट इज इक्वल टू क्या निकलता आपका? अब मैंने ये अगर कर दिया तो मैंने e इज इक्वल टू, मैं ये n के टर्म्स में भी मैं निकाल सकता. कैसे निकाल सकता? n प्लस e, n प्लस e, यहाँ पे चलेगा n प्लस e इट इज इक्वल टू e. ओके, सो e इट इज इक्वल टू, सॉरी, n into e is equals to, so n, one minute guys,
पे कर देगा तो नो इश्यूज। एन प्लस एन इट इज इक्वल्स ई माइनस एन ई एन, सो ई वन माइनस एन इज इक्वल्स टू एन, सो ई इट इज इक्वल्स टू it is equal to n upon 1 minus n. put here okay, in terms of n we want, in terms of n, so I see it is equal to g minus 1 into 1 upon 1 plus n minus n. Okay, so what is ऐसे कर सकता मैं, इसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी, g minus 1 into 1 upon 1 minus n plus n divided by 1 minus n. This 1 minus n मैं ऊपर लिख सकता हूँ, ओके ऊपर लिख सकता मैं, ओके सो g minus 1 minus n divided by that minus n plus n get cancel, तो बचा क्या, this and this get cancelled, so I see it's equals to, again मैं लिख सकता g minus 1 into n 1 minus n, okay दो formulas है, I see is equals to g minus 1 upon 1 plus e, or I see it is equals to g minus 1 into 1 minus n, आप दोनों भी लिख सकते हैं, ओके समझा क्या, ये दो ही फॉर्मूले जरूरी है, ये पूरा डेरिवेशन इट्स नॉट अ नेसेसरी, बट डेरिवेशन आक्स इन द ईएस, तो आपको कैसे निकलता है ये पता रहने को, और फॉर्मूले याद नहीं भी रहे तो भी आप फटाफट निकाल सकते, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो फटाफट ऐसे ही निकाला है भाई, आपको पता रहता, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर आपको मेथड पता रही कि आपने कैसे निकाला है तो आप जल्दी निकाल सकते हैं। So, I see it is equals to, मैं दो फॉर्मूलेस लिख सकता, g minus 1 upon 1 plus e, और I see it is equals to या फिर is equals to लिख सकता g minus 1 minus n is equals to gamma dash by gamma double, that is my critical hydraulic gradient. I see depends on critical hydraulic gradient, depends on
soil properties. For soil, IC is nearly equal to 1. IC is nearly equal to 1. Okay. For soil, IC is nearly equal to 1. क्या बोलेंगे? क्विक सैंड और क्विक सैंड और क्विक कंडीशन और बॉइलिंग कंडीशन और बॉइलिंग कंडीशन क्यों क्यों बॉइलिंग कंडीशन देखो सैंड में ही क्यों सिल्ट में क्यों नहीं सैंड में ही क्यों ओके क्ले में क्यों नहीं सैंड हैज अ जीरो कोहेसिव सिल्ट में सम पार्टिकल ऑफ क्ले आर मिक्स ओके सो दैट्स व्हाई कोहेजन सिल्ट में भी रहता है लेकिन फाइन सिल्ट अगर आप बोलोगे अगर सिल्ट ही बोलोगे तो सिल्ट में भी हो सकता है लेकिन दैट इज क्विक सैंड कंडीशन इज ऑकर इन फाइन सैंड ओनली फाइन सैंड में क्या होता है कि आईसीडी इज नियरली इक्वल टू 1 That's why quicksand condition or quake condition or boiling condition is occur. Kab jab IC it is equals to nearly equals to 1. Nearly equals to 1. Sorry. देखो फिर से गया गला ओके सो सॉइल कंडीशन ओके सो क्विक कंडीशन जब मेरा शेयर स्ट्रेंथ अगर मैं देखता तो शेयर स्ट्रेंथ क्या है अभी तक चैप्टर होने का है लेकिन शेयर स्ट्रेंथ का एक बेसिक इक्वेशन दैट एस इज इक्वल्स टू सी डैश प्लस effective stress dash and that is effective stress plus phi dash effective cohesion effective stress angle okay which angle friction angle okay so in c dash it is equals to cohesion sigma dash is equals to effective stress phi it is equals to phi dash equals to coefficient of internal friction for cohesionless soil c is equals to 0 s it is equals to sigma dash tan phi dash okay so sigma dash tan phi dash so
इन अपवर्ड प्रेशर इन एन अपवर्ड प्रेशर सिग्मा डैश this is an upward pressure at sigma dash it is equals to zero at sigma dash it is equals to zero sorry at critical condition at critical condition ic sigma dash it is equals to zero so shear strength will be zero shear strength of soil is zero s is equals to zero kyunki aapka effective stress is zero s is equals to zero shear strength zero ho jayega ab jahan pe shear strength hi zero nahi hai वहां पे क्या होगा कि बॉइलिंग कंडीशन होगी नीचे कोई ये नहीं रहेगा यानी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी सॉइल की कोई स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो बॉइलिंग कंडीशन होगी तो क्विक सैंड कंडीशन ऑफर होगी कौन सी कंडीशन ऑफर होगी क्विक सैंड कंडीशन ऑफर होगी अब आपने अगर टोटल धमाल पिक्चर देखा होगा देखा है क्या मूवी टोटल धमाल देखा है क्या मूवी बोलूंगी सर क्या पूछ रहे बोलना टोटल धमाल वगैरह सो टोटल धमाल में एक सीन है कि वो बात करते रहता मुझे हीरो का नाम नहीं पता मैं बॉलीवुड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लगता इसलिए मुझे हीरो का नाम नहीं पता ओके लेकिन बॉलीवुड का वो एग्जैक्ट एग्जाम्पल है इसलिए मैंने आपको अभी अरे रिसेंट एग्जाम्पल है इसलिए मैं आपको बता रहा कि वो नीचे 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 दबते जाता जो मुन्ना भाई के सेकंड रोल में रहता ना वो सर्किट दैट सर्किट नीचे 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 दबते जाता और अपना दूसरा एक हीरो है को हीरो बाद में वो सांप लाता और सांप देता उसको कि सांप रस्सी बोलता है रस्सी ला के मुझे बाहर निकाल करके तो वो सांप देता और सांप सांप पकड़ के वो बाहर निकलता तो वो जो सॉइल रहती है दैट सॉइल इज पिक सॉइल जो कि जहाँ के बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं रहती है बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं रहती है क्यों स्ट्रेंथ नहीं रहती है बिकॉज ऑफ पोर प्रेशर अपवर्ड पोर प्रेशर It is equals to upward pore pressure. It is equals to that gamma dash into z. Gamma dash and submerged density into z. It is equals to pore pressure, pore upward pressure. So, ये equal हो जाता है. जब आपका pore pressure it is equals to submerged density into z. ये हो जाएगा. तब आपका shear strength क्या हो जाएगा? यानी आपका effective stress क्या हो जाएगा? Zero. Effective stress is zero. Then shear strength is zero. Shear strength अगर soil की strength नहीं है. Soil is not capable to take any load. कुछ भी load ले नहीं सकती वो soil. तब क्या होगा? तब आपका structure नीचे 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 धसते जाएगा. जैसे कि वो hero नीचे 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 जा रहा था. That is quick sand condition. Total धमाल में भी दिया है और उनका ही एक previous वाला picture था. वहाँ पे भी दिया है. बीच में गोवा के बीच में दिया है ये. Okay. Maybe आपको पता होगा. आपने देखा होगा मैं वो जो सीन्स है वो मैं अच्छे से देखता क्योंकि मुझे पता चलता है कि दैट इज दे हाँ ये कंडीशन है ओके तो वो सीन्स मुझे अच्छे लगते टेक्निकल सीन्स बता रहे बाबा क्विक सैंड कंडीशन क्या है वो अवेयर कर रहे लोगों को क्योंकि अगर वहां पे धस गया बाहर निकलने के चांसेस बहुत कम वहां बिकॉज ऑफ आपको सपोर्ट ही नहीं है नीचे से आप आओगे कैसी बार और ये सीरियसली रहता है आप कोई भी बीच पे जाओ कोई भी बीच में आपको वहां पे जहाँ पे क्विक सैंड कंडीशन बन जाती है वहां पे बोर्ड लगाया रहता है कि यहाँ पे मत जाओ दिस इज डेंजरस ओके दिस इज डेंजरस फॉर क्विक सैंड कंडीशन ओके और वो जनरली बीच के थोड़ा ऊपर रहता है जहाँ पे पानी आता है वहां पे नहीं रहता है क्योंकि पानी आएगा तो डाउनवर्ड प्रेशर होगा अपवर्ड प्रेशर कब रहता है थोड़ा ऊपर रहता है क्योंकि जो पानी की लेयर है वो ऐसी जाती है अपवर्ड प्रेशर देती है ऊपर आने के लिए अपवर्ड प्रेशर जब देती है और ये डाउनवर्ड प्रेशर जो मेरा सॉइल का आ रहा है दैट डाउन अपवर्ड प्रेशर इट इज इक्वल टू डाउनवर्ड प्रेशर देन द सॉइल स्ट्रेंथ इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस इज जीरो व्हेन द इफेक्टिव स्ट्रेस इज जीरो
she has turned this zero. Okay, samjha gaya? हीरो का नाम भी बता दो आप. क्या था हीरो का नाम? आपको भी नहीं पता होगा तो जस्ट चील, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, मुझे नहीं पता इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ. ओके, याद तो है ना वो सीन, लेकिन या मुझे दिखाना पड़ेगा यूट्यूब पे? सर मूवी ना तो का मूवी नहीं बगितला. ओके, मूवी नहीं देखा हूं. ठीक है, अपन देख लेते. 2 मिनट का यूट्यूब का सीन है. 1 मिनट, 2 मिनट का है वो, लेकिन अपन उसको 50 सेकंड्स में देख लेते. दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? हाँ सर. हाँ, ये सीन है, सबने देखा है ये सीन. दैट इज क्विक सैंड कंडीशन. जी, ये देखो, ये धीरे 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 नीचे 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 जा रहा है. अच्छा, ये एक ही सीन हो गया, इतना ही सीन था. ठीक है, 20 seconds only. So that is quick sand condition. अब बाकी लगे तो आप पूरा पिक्चर देख लेना बाद में. बहुत सही पिक्चर, यानी मजा की मजा के हंस की आपको पेट डूब जाएगा. नेक्स्ट, दैट इज क्विक. तो वो क्विक सैंड कंडीशन वहां पे क्यों आई थी? क्योंकि वहां पे जो प्रेशर है, अपवर्ड प्रेशर, अपवर्ड सीपेज प्रेशर, इट इज इक्वल टू दैट सॉइल प्रेशर. जो कि जो जो भी सॉइल का प्रेशर आ रहा, वो सॉइल का प्रेशर तो वो सेम आ रहा था. और वो सिर्फ और सिर्फ कौन से कंडीशन में होगा? सिर्फ और सिर्फ एन अपवर्ड प्रेशर कंडीशन में होगा, डाउनवर्ड में नहीं होगा. डाउनवर्ड, जब डाउनवर्ड वाटर आएगा तब नहीं होगा. तब क्या होगा कि और स्ट्रेंथन हो जाएंगी सॉइल, और स्ट्रेंथन हो जाएगी, उसमें नहीं होगा. सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड प्रेशर में. डाउनवर्ड में क्यों स्ट्रेंथन हो जाएंगी? क्योंकि उसमें कॉम्पैक्शन, वाटर का कॉम्पैक्शन भी आ जाएगा. सो दैट्स व्हाई स्ट्रेंथन हो जाएगी. ओके, लेकिन अगर आप इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में बात करोगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस वहां पे भी. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो यहाँ पर. शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कोहेजनलेस सॉइल, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कोहेजनलेस सॉइल, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कोहेजनलेस सॉइल बिकम जीरो, बिकम जीरो. शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कोहेजनलेस सॉइल बिकम जीरो, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कोहेजनलेस सॉइल बिकम जीरो. And soil behave like boiling liquid, behave like boiling liquid. Behave like boiling liquid. This phenomena is called quicksand. 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 Actual hydraulic gradient. It is equals to I h by z, critical hydraulic gradient. Now here is
critical hydraulic gradient. IC, it is equals G minus 1 upon 1 plus C. G minus 1 upon 1 plus E. If I is greater than or equals to IC, greater than or equals to IC, quicksand condition occur. Quicksand condition occur. ओके okay. यानी ग्रेटर आई ग्रेटर रहेगा तो भी होगा और लेस देन रहेगा तो भी होगा. अब आप बोलेंगे सर ग्रेटर रहेगा तो कैसे होगा. दिस अपवर्ड प्रेशर इज ग्रेटर देन दिस तब मेरा माइनस में इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा दैट इज नेग्लिजिबल जीरो. सो दैट्स व्हाई मैं बोल सकता आई इज ग्रेटर देन आई सी. ओके आई इज ग्रेटर देन आई सी फॉर for safety against quake condition safety against quake condition I must be kept less than IC. I and actual hydraulic gradient must be kept less than IC. And critical hydraulic gradient से मेरा actual hydraulic gradient ये कम ही रहने को ना. Critical assumed condition एक approximate condition. Okay. ये जहाँ पे critical पे आपका boiling condition होगा और आपकी soil शेषण बिल्कुल छोड़ देंगे. ओके फॉर सेफ्टी अगेंस्ट फिक्स एंड कंडीशन quick condition F it is equals to critical hydraulic gradient divided by hydraulic gradient F it is equals to critical hydraulic gradient divided by hydraulic gradient actual hydraulic gradient if F is greater than 1, safe. Greater than 1 कब रहेगा जब I is greater than IC रहेगा. Okay. And even denominator जब आपका ज्यादा रहेगा इससे तभी greater than 1 होगा. सही है और less है. I is less than IC guys. I is less than IC. I जब आपका denominator IC से less रहेगा तभी greater than 1 होगा तभी safe रहेगा. It is safe. It is safe. And I को क्या रखना है? I must be kept less than IC. तो मेरा क्या होगा? जब F मेरा factor of safety is greater than one बोलूँगा मैं, यानी safe soil है, safe है. मैं जा सकता, मैं वहाँ पे मेरा structure खड़ा कर सकता. Okay. F is less than one है, यानी actual hydraulic gradient is greater than IC हो गया, boiling condition, quicksand condition, unsafe. It is unsafe. And F it is equals to 1, it is critical. It is critical. This is only safe condition.
this is only safe condition. Which safe condition? F is greater than 1, it is safe. F is less than 1, unsafe. F it is equals to 1, critical. Okay, that is important. Next. The minimum seepage head required to cause quicksand, to cause quicksand. Condition that is important. Where H it is equals to IC into Z, cos I it is equals to IC. Agar maine consider kar liya, to I it is equals to H by Z. So H is equals to I into IC into Z. IC into Z. I see into Z. Okay. Where kab hoga ye? Where F it is equals to 1, I becomes IC. I it is nothing but H by Z. I see. So yeah, except. Next. If there is surcharge Q on top of soil, the minimum seepage, seepage head required H it is equals to for quicksand condition, okay, to cause quick sand condition. So H is equals to Q plus Q dash gamma dash gamma W. Why? We talk about this. So ye kaisi bol sakta hu main? Sigma dash it is equals to Q dash plus, or Q bhi bol sakta, Q dash bhi likhne ki zarurat nahi hai. We can say a discharge also. Okay, discharge. Sorry, surcharge. Discharge nahi, surcharge. सरचार्ज लोड है ये. अब सरचार्ज लोड आप बोल सकते हैं कि ये इस तरह का फीलिंग कर दिया आपने वो सॉइल के ऊपर, सो दैट इज सरचार्ज लोड. दैट इज टन पर मीटर स्क्वायर और लोड पर मीटर स्क्वायर में इसका यूनिट रहेगा. ओके, दैट इज प्रेशर. सरचार्ज प्रेशर बोल, लोड से बेटर प्रेशर, क्योंकि लोड नहीं है, प्रेशर. सरचार्ज प्रेशर, प्रेशर क्या रहेगा, लोड अपॉन एरिया.
minus gamma w into h. Okay, if it is Q condition, it is zero, critical condition, at critical. Then that Q plus gamma dash into z minus gamma w into h. तो मैं इसको कैसे लिख सकता? Gamma w into h, it is equals to Q plus gamma dash z. तो इसी को ही मैं h को Q plus gamma dash z divided by gamma w लिख सकता, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा. Okay. Got it? समझा क्या गाइस? दैट इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है सब कुछ, फालतू नहीं है. Quick sand occur in cause, sorry, in case of downstream side of hydraulic structure like a dam. Hydraulic structure like dam, मैं बोल सकता हूँ, spillway मैं बोल सकता हूँ, okay, spillway. तो dam के downstream side में वो quicksand condition occur हो सकती है. तो इसलिए क्या करते हैं हम? इसलिए हम उसको piping करते हैं कि quicksand condition नहीं होने को होना, इसलिए. Okay, quicksand condition नहीं होने को ना, इसलिए हम piping वगैरह करते हैं. How can do the pipe? This is your dam structure. ये अपस्ट्रीम, यहां तक पानी है बाबा. देयर इज टेल वाटर. टेल वाटर डाउनस्ट्रीम. ओके, अपस्ट्रीम स्पिलवे के पीछे वाला गेट जहां पे पानी हम रुका के रखते, दैट इज स्पिल वे, जहां से गेट जा रहा, डैम भी बोल सकते हैं आप, डैम के वॉल्स, वॉल्स डैम का पोर्शन जो वॉल का पोर्शन रहता और स्पिल वे रहता, स्पिल वे प्लस वॉल्स, दैट इज नथिंग बट अ डैम. ओके, और जो आप फ्रंट में देखने जाते, ऑलवेज आप फ्रंट में देखते, गेट देखते आप, गेट, दैट पोर्शन, इट इज नथिंग बट अ स्पिल वे, जहां से पानी पास होता है, नीचे आता है, जो आप देखने जाते बारिश के टाइम में भी आप गए होंगे. सो वो जो पोर्शन रहता है, वो पोर्शन यानी स्पिलवे रहता है. ओके, तो वो जो स्पिलवे पोर्शन है, स्पिलवे पोर्शन में यहाँ पे क्या होता है कि आपको टेल वाटर दिखता है और उसके बैक साइड आपका अपस्ट्रीम वाटर, जो स्टोरेज वाटर रहता है, दैट इज योर स्टोरेज वाटर. तो यहां से क्या होता है गाइस, अब मेरा जो भी फाउंडेशन है, यहाँ पे फाउंडेशन, ये बहुत छोटा स्ट्रक्चर बनाया,
दैट इज प्रोटोटाइप वो बहुत छोटा बना बहुत बड़ा रहता ओके बहुत बड़ी डेप्थ रहती ओके सो क्या होता अब क्या होता वो देख लो यहां से क्या होता कि यहां से सीपेज होना चालू हो जाता ये पानी यहां से सीपेज होना चालू हो जाता तो यहां से डायरेक्ट ऐसे जाएगा तो उखड़ जाएगा डायरेक्टली ओके और आपको बहुत ज्यादा वहां पे कॉन्क्रीटिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा अब मैंने कॉन्क्रीटिंग भी बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर लिया तो ये यहां से ना जाते वक्त यहां से चले जाएंगे और उखड़ जाएंगे तो क्या होगा कि नीचे वाली जो साइड है इधर वाली जो साइड है वो साइड पे जो भी मेरे कॉन्क्रीट है जो भी मेरा फाउंडेशन है वो मेरा उखड़ जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेशर वन मिनट गाइस बिकॉज ऑफ प्रेशर ओके सो बिकॉज ऑफ प्रेशर मेरा उखड़ जाएगा तो इसको मुझे कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा पाइपिंग मुझे करना पड़ेगा पाइपिंग ये डायरेक्ट प्रेशर इधर नहीं जाने को ना इसीलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं पाइप डाल दूंगा दैट इज नथिंग बट अ पाइल फाउंडेशन मैं यहाँ पे करूंगा ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस ड्यू टू दिस शीट पाइप मेरा जो सीपेज है वो सीपेज कुछ ऐसी जाएगा तो जैसी इसकी लेंथ बढ़ी वैसे उसका प्रेशर कम होगा वैसे उसका प्रेशर कम होगा लेंथ बढ़ेगी ये डायरेक्ट जाएंगे तो डायरेक्ट ज्यादा इंपैक्ट करता था लेकिन अभी मैंने शीट पाइप डाली उसका प्रेशर मुझे कम हो गया दैट इज शीट पाइप ओके एक्ट शीट पाइप अब यहां पे क्या रहता है यहां पे आपका जो ये है यानी वाटर है वो वाटर कुछ इस तरह जाके यहाँ पे क्या करता अपवर्ड प्रेशर लगाता ना तो यहाँ पे क्या हो जाता अगर मैं बॉटम ऑफ द सॉइल यहाँ पे पकड़ू ओके बॉटम ऑफ द सॉइल यहाँ पे पकड़ू सिग्मा डैश सो इट इज इक्वल्स टू जीरो इट इज इक्वल टू जीरो तो क्या होगा क्विक सैंड कंडीशन होगा लेकिन सैंडी नहीं डाले हमने और हमने क्या डाले बाकी दूसरा यानी वहां पे फिल्टर वगैरह डाले वो भी चीज है वो सामने है ओके फिल्टर वगैरह हमने डाले तो ये हम अवॉइड कर सकते हैं क्विक सैंड कंडीशन वी कैन अवॉइड ओके सो FOS अब ये यहां से आधा का आपका हेड लॉस है HF आप H बोल सकते हैं दिस इज योर Z दैट इज योर टेल वाटर HW टेल वाटर इट इज इक्वल टू HW ओके सो FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट क्विक सैंड कंडीशन फॉर अगेंस्ट और against up lift or against up heavy FOS यहाँ पे भी for नहीं FOS FOS against heavy up it is equals to f it is equals to gamma dash into z upon gamma w into h for this condition okay for this condition
in other words, other example. Where it occur for completely water pump out. Water pumped out. H drastically increase. H is drastically increased. And then changes of sigma dash, it is equals to gamma dash into H minus gamma W into H becomes sigma dash is equals to zero. Then the complete portion below excavation line having the upward moment of water shifted up and quicksand condition occur. कहाँ पे? जहाँ पे मैं ट्रेंच खोद रहा वहां पे क्या होगा कि मेरा जो भी यहां तक मुझे गड्ढा खोदना था मुझे यहां तक गड्ढा खोदना है लेकिन अभी यहां तक गड्ढा है और पानी यहां तक है. पानी मैं पंप आउट कर ले रहा, ये मैं पंप आउट कर रहा. पंप आउट करने के बाद क्या हो रहा कि मैं यहां तक खोद रहा. जब यहां तक मैं खोद रहा तब क्या हो रहा, सिग्मा डैश इज इक्वल टू जीरो. तो बॉइलिंग कंडीशन ऑफर हो रही. तब क्या हो रही, बॉइलिंग कंडीशन ऑफर हो रही. मैंने क्या हो रहा कि गड्ढा मैंने पहले तक यहां तक खोदा, यहां तक खोदने के बाद इतना पानी आया. इतना क्या, इतना पानी है. दैट इज वाटर, दैट इज वाटर. तो ये मैंने पंप आउट कर लिया, ये पानी मैंने क्या कर लिया, ये पानी मैंने बाहर निकाल लिया. पानी बाहर निकालने के बाद फिर से मैं खोदा. फिर से खोदने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे मैंने मुझे यहाँ तक खोदना था तो यहाँ तक क्या आ गया मेरा, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू जीरो. तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू जीरो हो गया, यानी वहाँ पे शियर स्ट्रेस नहीं है. तो पानी की वजह से क्या हो गया कि सॉइल पोर्शन जो भी है हैविंग अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर तो शिफ्टेड अप, जो भी सॉइल है शिफ्टेड अप हो गया वाटर के साथ, ऊपर आ गया वाटर साइड, ऊपर आना चालू हो गया. ओके तो ये कंडीशन में आप क्या लगाओगे, जहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू जीरो है और इसके भी नीचे आपको खोदना है. वन मिनट, इसके भी नीचे अगर आपको जाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे और यहाँ पे आपको ट्रेंचेस लगाने पड़ेंगे.
दैट इज नथिंग बट आपको सपोर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि आजू बाजू की सॉइल गिरे नहीं नीचे और एक्सकैवेशन बराबर हो, इसलिए ओके इसलिए आपको वो लगाना पड़ेगा ओके. तो इसके बाद वाला पार्ट जो अपन लेते हैं टू प्रिवेंट क्विक सैंड कंडीशन, ये अपन नेक्स्ट इसमें लेंगे. तो ये आप पहले लिख लो, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेंच गड्ढा है, दैट इज एच, सॉरी दैट इज एच, यहाँ तक वाटर लेवल था, यहाँ पे ही वाटर लेवल था मेरा. पंप आउट करने मैंने यहाँ तक कर लिया, देन इट इज एच डब्ल्यू एंड दैट इज जेड ओके. सो यहाँ पे क्या होना चालू हो गया, वाटर अपवर्ड प्रेशर जाना चालू हो गया. तो यहाँ पे कंडीशन मैं ऐसी बोल सकता है, यहाँ पे दैट इज माय गामा डैश इनटू जेड माइनस गामा डब्ल्यू इनटू एच, इट इज इक्वल टू जीरो. तो गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो. तो ये कंडीशन से क्या हो गया, मेरा खत्म हो गया और ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल ओके. सो प्रिवेंटिंग क्विकसैंड कंडीशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, टॉक अबाउट इन नेक्स्ट लेक्चर.